दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम से भीम यूपीआई अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश जो है पेटीएम से भीम यूपीआई अकाउंट जो है डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। सो दोस्तों, डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है पेटीएम ऐप्स जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा मनी का, उसके बाद पासबुक है, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाता है। उसके बाद और आपको इधर करना है, उसके बाद केवाईसी के बगल में यूपीआई है, तो यहाँ पर भीम यूपीआई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए अकाउंट डिटेल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट का पूरा डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट मनी, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो है पेटीएम से जो है किसी कारणवश अगर आप भीम यूपीआई अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है। देखिए थ्री डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे नीचे वाले जो ऑप्शन है डी रजिस्टर यूपीआई प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाता है क्या सच में आप जो है इस भीम यूपीआई अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ तो ओके पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ये ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका जो है अकाउंट जो है भीम यूपीआई अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं कि डिलीट हुआ। यहाँ पे फिर से भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीएक्टिव यूपीआई अकाउंट आ रहा है। तो पहले जो है मनी ट्रांसफ़र का आता था ऑप्शन और यहाँ पर बहुत सारा क्यू आर कोड भी आता है, तो आपका श्योर कि पूरी तरीके से भीम यूपीआई जो है अकाउंट डिलीट हो चुका है, तो आप भी इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ मददगार हेल्पफुल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।